अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं आप लोगों को काइन मास्टर के बारे में बताऊंगा कि कुछ लोगों का कहना है कि यार काइन मास्टर में हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं और वीडियो को कोई जो काइन मास्टर का जो ऑप्शन है वो शो होता है। जब भी हम किसी चीज़ पे हम काइन मास्टर में कोई भी हम वीडियो बनाते हैं तो काइन मास्टर का हमें ऊपर शो पॉइंट नज़र आ रहा है और हम हटाने की उसकी कोशिश करते हैं, लेकिन वो आगे से पेमेंट मांग रहा है। तो आज हम आपको बताएंगे यार उसको हटाने का तरीका, और चलते हैं स्क्रीन पे और स्क्रीन में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि इसको कैसे हटाया जाए और इस पर कैसे काम करते हैं। अच्छा, हम स्क्रीन पे आ चुके हैं और आज हम आप लोगों को बताएंगे कि काइन मास्टर का लोगो हम कैसे रिमूव करें। सबसे पहले आप आईफोन में आप देख सकते हैं कि ऐसा कोई भी ऐप नहीं है जिसमें हम लोगो हम रिमूव करें, क्योंकि ऐप स्टोर में कोई भी ऐसा ऐप नहीं मौजूद दिया गया। दूसरी बात ये है कि प्ले स्टोर जो कि एंड्रॉयड मोबाइलों में जो आते हैं उसमें काफ़ी सारे काइन मास्टर के जो लोगो हैं वो रिमूव करने के लिए आपको मिल जाते हैं। आज हम आपको लोगो आईफोन में बताएंगे कि आईफोन का सिंपल तरीका कैसा है और कैसे हम रिमूव करें। सबसे पहले हम जाते हैं काइन मास्टर में। काइन मास्टर हमने ओपन कर दिया और इधर देख सकते हैं, इधर सबसे पहले यूट्यूब का ही साइज दिया गया है, हमने करना है क्रिएट। क्रिएट भी हम चले गए। अच्छा, ये हमारे सामने स्क्रीन खुल रही है काइन मास्टर की, और हम सबसे पहले जाएंगे मीडिया में। मीडिया मीडिया को हमने क्लिक किया और नीचे आल लिखा हुआ है, आल के आल को हमने क्लिक कर दिया। इधर हम गए ये फोटोज़ पे, हाल पे गए, फोटोज़ को दबाया। अच्छा, इधर आप देख सकते हैं यार बिल्कुल काइन मास्टर में मैंने एक फ़ोटो ऐड कर दी है, और आप इसका लोगो भी ऊपर देख सकते हैं, काइन मास्टर ने अपना लोगो भी दिया है। अक्सर लोग इस चीज़ को हटाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन इस चीज़ को हम हटाएं तो लेकिन आगे से ये चीज़ मांगता है। आज आप लोग को मैं बताऊँगा इसको कैसे हम ख़त्म कर सकते हैं। वीडियो हो या पिक्चर हो, ख़त्म हो सकती है, मैं आपको बताता हूँ। ये इसको करते हैं सेव। सेव वीडियो हमने कर लिया है, इसको कर दिया स्किप। अच्छा, सेविंग हो रही है, ये देख सकते हैं आप, वीडियो सेव तो हो गई लेकिन इसका जो लोगो है वो नहीं ख़त्म होया। इसको हम ख़त्म करने के लिए हम आपको बताते हैं कि क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपने गैलरी पे जाना है, इसकी जो अपनी फ़ोटो जो आईफोन की जो फ़ोटोज़ है, आईफोन के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आईफोन में ना ऐप में कोई भी ऐसी ऐप नहीं है जो कि फ्री रिमूवल बता सके। सबसे पहले इसको फ़ोटोज़ में गए, ये देख सकते हैं आप नीचे। अच्छा, ये चल रही है, साथ काइन मास्टर का भी देखें लोगों नज़र आ रहा है। सिंपल तरीके, आपको इस एडिट पर जाना है, ठीक है। ये नीचे आप देख रहे हैं कोने वाला, इसको आपने दबा देना है। अब आप देख सकते हैं यार कि बिल्कुल आप देख सकते हैं काइन मास्टर भी आ रहे हो, ये भी इसको हम कर देते हैं, ये इसको भी हमने इसके साथ बराबर रख दिया। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल काइन मास्टर इसमें लोगो हट चुका है बिल्कुल। इसको इस तरह कर लेते हैं ताकि ये ब्लैक निशान ख़त्म हो जाए। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि ये देखें आपके सामने बिल्कुल, ये देखें काइन मास्टर का लोगो हट चुका है, और ये आप खुद आप देख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें। और मैं आप लोग से एक बार लाजमी कहना चाहता हूँ कि यार मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें, ठीक है, और साथ मेरे टाइटल को लिख के आप वॉच किया करें ताकि मेरे आप जब भी यूट्यूब खोलें आपको ऐसी ऐसी वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।